अच्छा लगेगा जी। अब नहीं दे रहा ना, काट की हांडी एक बार चढ़ जाए, दो बार चढ़ जाए और तीसरी बार नहीं चढ़ती है। काट की हांडी नहीं चढ़ेगी अब की बार, मोदी जी 200 पारी नहीं कर पाएंगे, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए का शासन नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन का शासन आएगा। क्यों एक क्यों हुई है भाई, एक क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? खड़गे साहब चित्तौड़ में गए, यहाँ पर सोनिया जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी आए, 11 तारीख को राहुल गांधी जी अनूपगढ़ में और फलोदी में आ रहे हैं, 14 या 15 तारीख को टेंटेटिव है प्रियंका जी का कार्यक्रम बन रहा है, जल्दी खड़गे साहब का बन रहा है। तो मोदी जी तो इसलिए आते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो लोग आते हैं वो जो बात कहते हैं उस बात में वजन होता है, उस बात को हम अक्सर से लागू करते हैं। इनको तो केवल भाई से भ्रमण करना है, लोगों को भ्रमित करना है, भाषण ठोकना है, इसके अलावा क्या काम है इनके पास? क्या देखिए, ये पार्टी आलाकमान ने निर्णय लिया है कि हम लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हमने इंडिया अलायंस बनाया और हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प लिया। इसलिए हमारे पार्टी आलाकमान को ये लगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो एक उम्मीदवार होने से ही हारेगी, इसलिए हमने वहां पर विधानसभा में बांसवाड़ा बागीदोरा में और लोकसभा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा डूंगरपुर का एक लोकसभा है उसमें हमारे उम्मीदवार को नई उम्मीदवार मान करके हमने उनको बाप को समर्थन दिया, बाप पार्टी को समर्थन दिया। अब फार्म उठेगा नहीं उठेगा ये काल्पनिक सवाल है, अभी 3 बजे नहीं, इसलिए इस पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। कोई बात नहीं, 15 मिनट में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है भाई साहब। कौन से शेखावत साहब है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सत्य बात बताऊं, मेरी थोड़ी आदत ज्यादा है सत्य कहने की। वो कोई बात नहीं, वो तो कहीं भी आए बाबा हैं, कहीं भी आए कहीं भी जाए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को ये ईआरसीपी पे बोलने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि राजनीति उन्होंने की है कि वसुंधरा जी की, उनकी अदाउट के कारण से वसुंधरा जी की बनाई हुई जो डीपीआर थी उसको स्वीकार मोदी जी को और गजेंद्र सिंह जी को करना नहीं था। हमारा रोल कहां था आप बताइए ना, हमारा रोल कहां है? वसुंधरा जी ने बनाया, मोदी जी ने अजमेर और जयपुर में 2018 में वादा किया कि वसुंधरा जी की रिपोर्ट हमको मिल गई है डीपीआर और हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके और इसको आगे बढ़ा देंगे, आज तक बढ़ाया नहीं। अब गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं हमने एमओयू कर दिया, उस एमओयू की कॉपी नहीं है जनता के पास में, मीडिया के पास में कॉपी नहीं है। भाई साहब बीजेपी की आदत बन गई है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और इतनी जोर से इतनी ज्यादा बार बोलो कि जनता को वो सच लगने लगे और वो वोटों की फसल काट लें, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। जी जी जी, हाँ कहा, अभी भी कह रहा हूँ। आप एक सामान्य सांसद हैं, आपने मंत्री वाला बंगला जो लिया 8 अस्पताल मार्ग, मतलब विधायक हूँ, विधायक विधायक आवास ही है वो विधायक आवास है, वो विधायक आवास है। आप थोड़ा अपनी नॉलेज को अपडेट कर लेना,
भाई साहब वो तो आप थोड़ी तय करोगे, ये तो विधानसभा तय कर दिया ना कि विधायक आवास जो विधानसभा के पूल में है उसमें विधायकों को वो आवंटित करती है, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ क्या हो सकती है? किसने निकाली, किसने लिया फायदा, किसने लिया, किसने लिया? काहे की पर्ची वाली सरकार, कौन देता है ऐसे? आपको तो नहीं दिया फिर, और किसी को तो नहीं दिया? मेरा राइट होगा तब दिया होगा, क्या दिक्कत आ गई इसमें? और कोई सवाल? वहां कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी क्योंकि वहां बीजेपी खत्म हो जाएगी, और बीजेपी खत्म होने के बाद में मैं समझता हूं कि वहां पर लोगों के काम होंगे, हमारी जो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी वो जज करके उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए काम करेगी, और हम लोग मजबूती के साथ में वहां पर लोगों की सेवा करेंगे। मेरे को बीजेपी का संकल्प बिल्कुल झूठा, गुमराह करने वाला, भ्रमित करने वाला और कभी भी धरातल पे नहीं उतरने वाला लगता है, और हमारा जो घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र है वो गारंटी के रूप में हम लोग पेश करते हैं, और जो गारंटी हम न्याय पत्र में दे रहे हैं इंडिया अलायंस सरकार बनने में, हम एक एक को अक्सर से पूरी करेंगे। जी 25/3 मतलब 25 में से 3 ओ जी 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 वो तीन सही था। हाँ बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटा मोटा स्वार्थ छोड़ा जाता है, हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार को, जुमलेबाज सरकार को और लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको हटाना है, इसलिए हमने समान विचारधारा के लोग जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ आए हैं, उन मित्रों का पूरी तरीके से मान सम्मान करते हुए, हम बड़े भाई के रोल में थे इसलिए हमने उनका मान सम्मान किया है, सबको साथ लिया है, क्योंकि अगर हम साथ मिलकर के लड़ेंगे तो मोदी सरकार दिल्ली में नहीं रहेगी, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोगों को न्याय मिलेगा। हनुमान बेनीवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपना पूरा दम लगाए हुए, और वो उसको किसान विरोधी सरकार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इनके साथ रह के आया हूं, इनसे बड़ी झूठी पार्टी, इनसे बड़ी किसान विरोधी पार्टी कोई नहीं है। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ आकर के इसको उखाड़ना चाहता हूं, तो हम क्यों नहीं साथ लेंगे? हमने बिल्कुल साथ लिया है। गुजरात की घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अगर बिना जानकारी कोई बात करूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगी। और कोई भाई किसने उतारे? हाँ जी देखो, ये तो पूरे देश में सच्चाई सामने आ चुकी है कि सेना हो, नौजवान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, इनके सबके नाम का दुरुपयोग करते हुए ही 10 साल से मोदी जी केंद्र में सत्ता में बने हुए हैं।
आज ओबीसी की कोई बात करता है तो देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं, और सबसे पहले उन्होंने नारा दिया था कि मैं गरीब ओबीसी चाय बेचने वाला, चाय वाले कोई नहीं बक्सा भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो, पुलवामा सेना के ये कर देंगे, हमने अधिकार दे दिए हैं, पहले बोल नहीं सकता था सेना का, सैनिक का बोलने लग गया है, कहां कहां भाषण सुन रहे हैं सेनाओं के, हमने तो नहीं देखा, पहले भी वही हमारी सेना देश की एकता और अखंडता के लिए, स्वाभिमान के लिए काम करती थी, आज भी करती है, पहले भी सेना ने वो काम किए, छक्के छुड़ाए हैं विरोधियों के, तो आज तो कुछ इन्होंने किया है कि देश के दो टुकड़े, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, उसकी बात नहीं करेंगे, एक न्यूज चला देंगे, प्लांट करवा देंगे, ये हो गया पाकिस्तान में, ये कर रहे हैं मोदी जी, ये कर रहे हैं मोदी जी, ये कर रहे हैं, सब कुछ देश के प्रधानमंत्री नहीं करते, हर अंग का, हर वर्ग का, हर संवैधानिक संस्था का अपना अपना रोल होता है, और वो कानून के दायरे में रह करके, अपना कानून में रह करके वो काम करती है, और वो करती है, लेकिन उनकी आदत बन गई है कि हर चीज में माइलेज ले हो, हर चीज में माइलेज ले हो और उसको वोटों में तब्दील करो। मैं तो, मुझे तो उनकी बुद्धि में तरस आता है, और मैं तो बीजेपी से डिमांड करूंगा कि अगर मेरी एक बात भी 5 साल में मानो तो यही मान लेना कि दिलावर साहब को शिक्षा मंत्री 5 साल रखना। पूरे प्रदेश का नुकसान होगा, हमको लाभ होगा कि हम आराम से सत्ता में आ जाए। कुछ भी नहीं भाई साहब, जुमलेबाजी की सरकार है दिल्ली वाली, उसको हटाना है, सीधा सीधा काम। हाँ भाई, भाई देखो, मुझे तो देश के लोग खुशी खुशी रहे, भाईचारा कायम रहे, देश प्रगति करे, राष्ट्र दिन प्रतिदिन मजबूत बने, हम सब लोग ऐसे ही मिलते रहे, हंसी खसी के माहौल में रहे और सब ठाट से रहे, इसमें ज्यादा मजा आता है। थैंक यू भाई, नमस्कार, धन्यवाद।